खबर है मथुरा के वृंदावन से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने परिवार के साथ वृंदावन के ठाकुर बाके विहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए। यहां उन्होंने विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा अर्चना की और कोविड से मुक्त के साथ एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार की कामना की। वहीं महावन स्थित रमण रेती आश्रम में वृंदावन आए उप मुख्यमंत्री पत्नी और पुत्र के साथ श्री बाके बिहारी के दर्शन किए। आपको बता दें कि सेवक गोपी गोस्वामी, श्री गोस्वामी और राहुल गोस्वामी ने उन्हें विधि विधान पूजा करवाए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री फूल माला पहनाकर चंदन लगाते हुए स्वागत किया गया। दर्शन के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि श्री बाके बिहारी के चरणों में नमन करने आया हूं। प्रार्थना करता हूं कि बिहारी जी बार बार दर्शन का मौका प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह भी उनके चरणों में विनती करता हूं कि साल 2017 में 325 सीटें प्रदान की थी और अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 325 प्लस सीटें का आशीर्वाद दें। इससे जनता की सेवा में प्रदेश में भाजपा की सरकार बरकरार रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। सरकार के लिए सबसे पहले तो बाके बिहारी जी के चरणों में पूरे श्रद्धा भाव से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद दर्शन के लिए बुलाया है, बार बार और जल्दी जल्दी बुलाते रहें ये विनती करता हूँ। उत्तर प्रदेश में और देश में, दुनिया में भी कोविड का संकट है। इस संकट काल में बहुत भक्तों को बहुत मन में अपने बैठा करके रखना पड़ा बिहारी जी को। आज आने का मौका दिए हैं और आगे भी लोगों को आने का मौका मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैं बाके बिहारी जी के चरणों में यह भी प्रार्थना किया हूँ कि जैसे 2017 में